हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के साइंस में हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, वो चैप्टर हमारा हो चुका है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं, डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है वो हमें पता है। ठीक है, हमारे आजू बाजू में कोई भी चीज जो लिविंग थिंग होती है, दैट मीन्स की इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप ग्रोथ होता है ना। हाँ, उन्हें अर्थ में से मिनरल्स चाहिए होंगे, सनलाइट चाहिए होगी, अर्थ हमें हम वाटर देंगे, वो अर्थ में से वाटर अब्सॉर्ब करेगा, उसके बाद उसका ग्रोथ हो सकता है। पर है तो वो लिविंग ना, उसके ग्रोथ के लिए हमें सिर्फ पानी देना होता है और कुछ हमें करना होता है, उसे खींच के लंबा हम करते हैं नहीं करते ना। दैट मीन्स की दे आर नेचुरली ग्रोइंग, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ठीक है, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डाइवर्सिटी मतलब कि वो अलग अलग कैसे होते हैं। जैसे कि हमने ट्रीज में देखा तो कई ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो फ्रूट्स देते हैं, कई ट्रीज ऐसे होते हैं कि जो हमें वेजिटेबल्स देते हैं, कई ट्रीज ऐसे होते हैं कि जिसके हम लीव्स को खाने के लिए यूज करते हैं ना, कई ट्रीज के हम सीड्स को खाने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्स सारे, ठीक है, सीरियल्स, उसके हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, सीड्स यूज करते हैं खाने के लिए, गेहूं वगैरह। ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर एनिमल्स में भी आपने देखा होगा, इंसेक्ट्स में भी कितने टाइप होते हैं, बटरफ्लाई की जो कि उड़ सकते हैं, कैटरपिलर जो कि ऐसे ऊपर नीचे होकर चलती है। ठीक है, कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स है जैसे कि एंट, कीड़ी, ठीक है, वो अलग होती है। इंसेक्ट्स में भी कितने अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इंसेक्ट, एक हमने अलग कर दिया, पर इंसेक्ट में भी अलग अलग कितने टाइप्स होते हैं, तो वो जानी जाती है उनकी डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं उसे, डाइवर्सिटी। अब फिर देखते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी हमने देखा कि एनिमल्स हम ये बोलते हैं कि जो चार पैर पे चलते हैं उसे हम एनिमल्स बोलते हैं, पर एनिमल्स में भी कितनी टाइप्स होती है। आप देखो, बंदर है, वो एक ट्री से दूसरी ट्री तक कैसे छलांग लगा के दूर चला जाता है। ठीक है, तो वो एनिमल अलग है। फिर आपने हमने देखा, हम अगर सोचे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, ठीक है, ये सारे हम देखे तो देखने में कैट के जैसे होते हैं, बिल्ली, भले साइज बड़ी होती है, उनकी साइज बड़ी होती है, खूंखार होते हैं, कैट की तरह हम उसे पाल नहीं सकते इजीली घर में, पर ऐसे आप देखो तो लुक में, हाँ बड़ी बिल्ली बोल सकते हो आप उसे, ठीक है, पर लुक में उनके जैसे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं कि जो चार पैर पे चलते हैं, अलग अलग होते हैं ना। ठीक है, जैसे कि गाय भैंस वगैरह है, उनकी कैटेगरी में हम देखें तो आपने नील गाय नाम सुना होगा, ठीक है, वो जंगल में रहती है, तो इसमें भी हमें कैसे अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, चलते हैं सारे चार पैर पे ही, पर उसमें भी अलग अलग होते हैं ना, तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। फिर अगर हम बर्ड्स का देखें तो बर्ड्स में भी हमने देखा होगा कि कई सारे बर्ड्स स्पेरो जैसे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, पर स्पेरो की तरह कैसे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बट फिर हमने देखा होगा कि पैरट भी कितने टाइप के आते हैं। नॉर्मली हम जो पैरट देखते हैं वो पैरट कलर के होते हैं, ठीक है, जिसके गले में क्या होता है, रेड कलर का पट्टा होता है, और उनकी चोंच भी, सॉरी, ब्लैक कलर का पट्टा होता है, और चोंच भी कैसी होती है, लाल कलर की होती है। ठीक है, तो ये एक हो गया पैरट जो हम नॉर्मली हमारे आजू बाजू में देखते हैं। फिर आपने देखा होगा कि अगर आपने कई बार आपने नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी देखा होगा ना, तो उसमें आप देखना कि पैरट भी कितने टाइप के अलग अलग होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। बहुत सारे बर्ड्स है जो स्पेरो की तरह दिखते हैं, बहुत सारे बर्ड्स है जो पैरट की तरह दिखते हैं, फिर उसमें भी हम देखते हैं ऑल अलग होते हैं, जिसे हम घुअड़ बोलते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में भी ऐसे कितने अलग अलग होते हैं। फिर बेट, आपको पता है वो भी बर्ड्स में ही आता है, बेट जो कि ट्रीज पर ऐसे अपनी पंखों से उल्टा लटकता है। अब तो बेट के बारे में सबको पता होगा, क्योंकि सबने सुना होगा कि कोरोना बेट की वजह से आया है ना। ठीक है, तो सबको पता ही होगा बेट कैसा होता है,
ठीक है। तो ये सारे बर्ड्स है पर सारे कैसे अलग अलग है, ठीक है। तो ट्रीज नोन एज डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे एक कैटेगरी में, या तो सारे बर्ड्स बोले जाएंगे या तो सारे एनिमल्स बोलेंगे, हम सबको इंसेक्ट्स बोलेंगे, पर उसमें भी कितनी अलग अलग टाइप्स होती है। तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलेंगे हम उसे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम वो देखेंगे, पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड अस, मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स मतलब कि कितने सारे तरह के लाइफ फॉर्म्स हमने हमारे आजू बाजू हमें दिखते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स टू अ लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। हमारे आजू में जितने भी हमें ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो कोई में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हम इंसेक्ट्स बोले तो कीड़े और मकोड़े बोले तो उनमें साइज के अलावा ज्यादा कुछ डिफरेंस हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर अगर आप कीड़ी और बर्ड को देखो तो उनमें तो ग्रेटर एक्सटेंट है ना, बहुत सारे डिफरेंस है। तो हमारी आजू बाजू में हमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं कि जिसमें किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो किसी में बहुत सारा डिफरेंस होता है। फॉर इंस्टेंस कंसिडर योरसेल्फ एंड अ फ्रेंड, ठीक है। समझने के लिए आप सिर्फ अपना और अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल ले लो। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट, आपकी और आपके फ्रेंड की हाइट सेम है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दो फ्रेंड्स की हाइट सेम होती है, और कई बार आपने देखा होगा कि दोनों की हाइट अलग अलग होती है। आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स ले लो, सबकी हाइट सेम है? नहीं है ना, वो सारे आपके फ्रेंड्स ही है ना, भले आपके बेस्ट फ्रेंड्स ना हो बट आप फ्रेंड तो बोल सकते हो ना उसे, ठीक है। तो सबकी हाइट सेम है? नहीं है। तो दैट इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन यू टू, ठीक है। नाउ डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज, आपकी और आपके फ्रेंड की नाक एक जैसी है? नहीं होगी। कई सारों की नाक क्या होती है, ऐसी चिपटी होती है, तो कई की नाक ऐसे बाहर निकली हुई होती है चोंच जैसी, ठीक है। किसी की नाक बहुत छोटी होती है तो किसी की बड़ी होती है, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग होता है। इज योर हैंड स्पैन द सेम एज योर फ्रेंड्स, आपकी ये जो स्पैन है वो आपके फ्रेंड के जैसी है? हथेली सबकी सेम है? नहीं, किसी की बड़ी होगी तो किसी की छोटी होगी, ओके ना, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम नहीं होता, ठीक है। हाउएवर इफ वी वेर टू कंपेयर आवर सेल्स इन आवर फ्रेंड्स विथ अ मंकी, व्हाट वुड वी से? अगर हम ह्यूमन को हम ये बोला है कि आर सेल्फ एंड आर फ्रेंड्स, मतलब कि हम और हमारे दोस्त, हम सारे किस में आते हैं, ह्यूमंस में आते हैं ना, तो ह्यूमंस और मंकी को कंपेयर करो तो आपको क्या सेम दिखता है? थोड़ा सा ही डिफरेंस मिलेगा। उनका मुंह ऐसे थोड़ा यहाँ से थोड़ा बाहर होता है, हमारा थोड़ा फ्लैट जैसा होता है, ठीक है। वो भी हमारी तरह दो पैर पे चल सकते हैं, मंकी भी, ठीक है। वो भी हमारी तरह ही खाना खाते हैं हाथ में पकड़ के, जैसे हम हाथ में पकड़ के फ्रूट खाना हो तो हम कैसे हाथ में पकड़ के खाते हैं, तो मंकी भी अगर आपने कई बार देखा होगा ना तो अपने हाथ में पकड़ के ही खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में मदर है वो अपने बेबी को अपने ब्रेस्ट से फीडिंग करवाती है ना, वैसे मंकी में भी जो मदर मंकी होगा ना वो अपने बेबी को ब्रेस्ट से फीडिंग करवाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में बेबी है वो मदर के टमी में 9 मंथ्स के लिए रहता है, वैसे मंकी के टमी में भी उनका बेबी 9 मंथ्स के लिए रहता है, ठीक है। तो बहुत सारी इक्वालिटीज है जो मंकी में और ह्यूमंस में देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस थे वो पहले मंकी थे, धीरे 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 उसमें थोड़ा चेंजेस आता गया और हम जैसे अभी दिखते हैं वैसे ह्यूमंस में चेंज होते गए, ठीक है। बहुत साल पहले ह्यूमंस थे वो मंकी जैसे ही थे, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली वी एंड अवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट इन कॉमन व्हेन वी कंपेयर अवर सेल्व्स विद अ मंकी। अगर हम ह्यूमंस को मंकी के साथ कंपेयर करें तो हमारे हमें बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन होगी, ठीक है। बट सपोज वी वेर टू एड अ काउ टू द कंपेरिजन, अगर हम कंपेरिजन में ह्यूमंस मंकी और उसकी कंपेरिजन में काउ को डालें तो कितना डिफरेंस मिलेगा। काउ है वो चार पैर पर चलती है, ह्यूमंस चार पैर पे चलते हैं, हाँ मंकी चार पैर पे चलते हैं बट ह्यूमन चार पैर पे चलते हैं नहीं, ह्यूमन के दो हाथ होते हैं दो पैर होते हैं, जबकि काउ के चारों पैर होते हैं, ठीक है। हाँ
मंकी के पास टेल होगी, काउ के जैसे मंकी के पास टेल होगी, ह्यूमन के पास टेल होगी नहीं होगी, ठीक है। काउ का फेस कैसा लंबा होता है, ह्यूमन्स और मंकी का फेस ऐसे लंबा होता है नहीं होता। काउ में ऊपर क्या होते हैं, सिंग होते हैं, हॉर्न्स, तो मंकी और ह्यूमन्स में वो नहीं होते, ठीक है। तो इसे हम कंपेरिजन में डालें तो बहुत सारा डिफरेंस हमें मिलेगा, ठीक है ना। वी वुड देन थिंक दैट द मंकी हैज अ लॉट मोर इन कॉमन विथ अस देन विद द काउ, ठीक है। तो हमें इससे पता चलेगा कि ह्यूमन्स और मंकी में बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, जबकि ह्यूमन और काउ में बहुत ज्यादा कुछ भी देखे तो शायद कुछ भी एक, हाँ कि जो मादा काउ होगी, मदर काउ, वो और मदर ह्यूमन दोनों मिल्क देते हैं, बस एक ही चीज कॉमन होगी और कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना। अब है एक्टिविटी 7.1, उसमें क्या बोला है वो सिर्फ हमें देखना है। वी हैव हर्ड ऑफ देसी काउस एंड जर्सी काउस, काउ भी अलग अलग तरह की होती है। डज अ देसी काउ लुक लाइक अ जर्सी काउ, डू ऑल देसी काउस लुक अलाइक, विल वी बी एबल टू आइडेंटिफाई अ जर्सी काउ इन अ क्राउड ऑफ देसी काउस दैट डोंट लुक लाइक ईच अदर, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अवर आइडेंटिफिकेशन। काउ दो तरह की होती है, देसी काउ एंड जर्सी काउ, अगर दोनों को साथ में रखा हो तो आपने आपको उसमें डिफरेंस क्या मिलेगा वो एक तो देखना है। फिर है कि देसी काउ और जर्सी काउ दोनों सेम दिखती है, अगर नहीं दिखती तो दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर है सारी देसी काउ, आपने अगर एक साथ 5-6 देसी काउ को देखा तो वो सारी क्या सेम दिखती है। फिर है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ अवर, या अगर हमारे, अगर हमने कहीं पे देखा क्राउड का, सॉरी काउ का क्राउड देखा, तो उसमें बहुत सारी देसी काउ, सपोज कि 15-20 देसी काउ है, ठीक है, उसमें एकाधिक भी जर्सी काउ है, तो आप उसे क्राउड में से अलग देख सकते हो कि हाँ ये जर्सी काउ है, ठीक है। और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप बेसिस क्या लोगे, आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिस क्या लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जर्सी काउ और देसी काउ में डिफरेंस क्या होता है, आप देखना जो देसी काउ होती है ना उसका मुंह, जैसे लंबा काउ का मुंह तो होता है, बट काउ के जो आगे का पोर्शन होता है ना वो देसी काउ में ऐसा थोड़ा सा ऐसे ऐसे गोल करके नीचे उतरेगा, जबकि जर्सी काउ का फेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। फिर उनका जो हॉर्न का पार्ट होता है ऊपर का, माथे का ऊपर का पार्ट जहाँ पे हॉर्न होते हैं, वो देसी काउ में ऐसे गोल जैसा होता है और जर्सी काउ में वो फ्लैट होता है। देसी काउ के सिंग बड़े बड़े होते हैं, जर्सी काउ के सिंग छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो फेस के ऊपर से आप उसे देख सकते हो। फिर देसी काउ में क्या होता है, आपने देखा होगा कि काउ के पीठ के ऊपर ऐसा ऐसा थोड़ा बाहर निकलता है, काउ यहाँ पे उसका फेस होता है, सिंग वगैरह पर काउ के पीठ के ऊपर ऐसा थोड़ा सा होता है, जबकि जर्सी काउ में ये पार्ट ऐसे थोड़ा सा ही होगा, बट बहुत ऐसे थोड़ा सा होगा, जबकि देसी काउ में ऐसा बड़ा होगा। तो इसके ऊपर से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सी काउ है वो जर्सी काउ है और कौन सी काउ है वो देसी काउ है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो उसका फेस और उसका जो पीठ होती है वो, उसके ऊपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये देसी काउ है या जर्सी काउ है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी। हमने जो ऊपर जर्सी काउ और देसी काउ देखा, तो इसे हमें डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वे डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। हेंस वी वेर ऑल्सो डिसाइडिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर्ड, ठीक है। और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों में हम आइडेंटिफाई करने के लिए इग्नोर कर सकते हैं। क्या इग्नोर कर सकते हैं, तो दोनों खाना सेम खाती है, दोनों के चार पैर होंगे, दोनों की टेल होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर सारी देसी काउ है वो एक जैसी दिखती है, नहीं, हाँ
देखने से पता चलेगा, बट वो कलर में अलग होगी, साइज में अलग होगी। कई ऐसी काम है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो कई है वो हाइट में, जैसे ह्यूमन में भी लंबे छोटे होते हैं ना, मोटे पतले होते हैं, वैसे काम में भी होगा। ठीक है, ह्यूमन्स में भी अलग अलग कई होते हैं, कई है वो एकदम काले होते हैं, कई एकदम गोरे होते हैं। ठीक है, कोई इंसान होते हैं जिसे हम गौवर्णा बोलते हैं, मतलब एकदम काला भी नहीं एकदम गोरा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कलर ह्यूमन्स में भी होते हैं। वैसे काव में भी आपने देखा होगा रेड कलर की, रेड जैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, व्हाइट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की काव में व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, कई बार देखा होगा कि व्हाइट काव में ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं। तो उसमें भी अलग अलग कलर की हो सकती है, होती है सारी देसी काव बट कलर में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। ठीक है, वो अलग अलग फॉर्म्स देखो कि जिसमें अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। तो मैंने अभी अभी बोला कि ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में हमें क्या मिलेगी, अर्थ पर लाइफ देखने को मिलेगी। प्लांट्स में भी कितने सारे होते हैं, बड़े ट्रीज हो गए, कई छोटे प्लांट्स हो गए, किसी की हमें वेल देखने को मिलेगी, ठीक है, जो किसी सपोर्ट से ऊपर चढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग होते हैं, किसी के लीव्स छोटे छोटे होते हैं, किसी के लीव्स बड़े बड़े होते हैं। जैसे कि बनाना के आप देखो तो लीव्स कितने बड़े होते हैं, जबकि नीम देखो तो उसके लीव्स छोटे छोटे होते हैं ना। ठीक है, नाउ ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ अ फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज, व्हाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल एंड रेड वुड ट्रीज of California of approximate size of 30 meters and 100 meters respectively। ठीक है, हमारे आसपास में इतने छोटे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं कि जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखें तब मुश्किल से दिखते हैं। तो इतने छोटे भी जिसकी साइज माइक्रोमीटर में होगी, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखने पे भी वो मुश्किल से दिखेंगे, इतने छोटे भी होते हैं। और जबकि समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल जो कि बड़ी 30 मीटर जितनी लंबी, सोचो 30 मीटर जितनी लंबी ब्लू व्हेल, और क्या बोला है, कैलिफोर्निया में होने वाला रेडवुड ट्री जो कि 100 मीटर लंबा होता है। इतने बड़े बड़े भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जैसे छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साइज डिसाइड कर लो उतनी ही साइज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। बैक्टीरिया जितने छोटे भी होते हैं और ब्लू व्हेल जो समुद्र में रहती है तो 30 मीटर इतने बड़े भी होते हैं, और रेड वुड ट्री जो कि कैलिफोर्निया में दिखते हैं उसके जितने 100 मीटर जितने लंबे भी होते हैं। ठीक है, सम पाइन ट्रीज लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स while insects like mosquitoes die within a few days। ठीक है, पाइन ट्रीज, पाइन का ट्रीज होता है वो भी साइज में बड़ा होता है, वो लंबा होता है। ठीक है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए अर्थ पर रहता है, सूखता नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वो ग्रीन रह सकता है अगर उसे अच्छे से पानी वगैरह मिले तो। ऑब्वियसली पानी नहीं मिलेगा तो सूख ही जाएगा, ठीक है, बट अगर उसे अच्छे से रेगुलर पानी वगैरह मिले ना तो वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक रह सकता है, सोचो तब तक वो नहीं सूखता। और कई सारे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि मॉस्किटो जो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही जीवित रहते हैं, सिर्फ 7 या 8 दिनों के लिए ही, तो ऐसे भी होते हैं। लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, ऐसे फ्रॉग्स है, हमारे इंडिया में नहीं है बट अर्थ पर ऐसे फ्रॉग्स है कि जिनकी स्किन है वो ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर के ऑर्गेन्स जो होते हैं ना उनके लंग्स है, हार्ट है, स्टमक, वो सब कुछ बाहर से दिखता है, ऐसी ट्रांसपेरेंट उनकी स्किन होती है, ग्लास कांच के जैसी।
ठीक है। और ऐसे बर्ड्स भी है कि जो एकदम कलरफुल होते हैं, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह कितने अच्छे कलर का बर्ड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि जो एकदम कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। दिस बी वाइड रेंज वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अर्थ हैज इवॉल्व ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी सारी वेराइटीज है, वो अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आई है, ठीक है। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one. इतने सारे living organisms, आप सोचो कितने टाइप के animals, कितने टाइप के birds, कितने सारे insects, कितनी सारे टाइप की trees earth पे possible है, सिर्फ इंडिया या सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरी अर्थ पे कितने टाइप के हुए, इन सबको वन बाय वन देखना पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। Instead, we look for similarities among the organisms which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole. इसीलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग organisms का group और classes बनाते हैं, ये organism इस group में या तो इस class में आएगा। वैसे हम उसे class wise divide करते हैं, क्योंकि सारे organisms के बारे में हम नहीं देख सकते, इसीलिए जिसमें common characteristic होगी उनके अलग से ग्रुप या तो अलग से क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक रिलीवेंट ग्रुप्स टू स्टडी द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेस अमोंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स में जो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उन सारे ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो ग्रुप में भी जितने सारे ऑर्गेनिजम्स का सेम कैरेक्टरिस्ट होती है उसे सब ग्रुप में भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आया समझ में? तो इसे हम ऐसे डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।